ओ दीवाने ओ बैठे रहो ए महफिल लो ओ सजा के दे। गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी जो है मैं पाकिस्तान आया हुआ था और अब जो है वापस जा रहा हूँ। बस प्लेन जो है थोड़ी देर में जो है टेक ऑफ करने लगा है, तो सोचा चलें आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो गाइस इस टाइम मैं दोहा पहुँच चुका हूँ। तकरीबन फ्लाइट जो है अच्छी थी, टाइम अच्छा गुजर गया और एयरपोर्ट जैसे आप देख सकते हैं खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है और पीछे ये अरबी बोल रही है बताएं। तो सफ़र आराम से गुजर गया था। उसके बाद जो है मैं अपने दोस्तों के साथ जो है हमने कसूर का प्रोग्राम बनाया, जैसा कि जो लाहौर में रहते हैं उन्होंने सुना होगा, बल्कि कसूर की मछली जो है बहुत मशहूर है। तो लाहौर की खाई हुई थी, हमने सोचा प्रोग्राम बनाते हैं, चलो कसूर की मछली खाते हैं। तो फाइनली कसूर पहुंचे, हमने कसूर की मछली जो है खाई, बहुत मशहूर ये है कसूर में, जवेद शेख जवेद जो हैं मछली वाले। इनका ख़ासियत ये है कि एक तो ये हल्की आंच पे बनाते हैं और मछली के आप देखें छोटे छोटे पीसेज होते हैं, ताकि ये बनते अच्छे हैं, अच्छी तरह अंदर से पक जाते हैं। तो मछली जो है फिर उसके ऊपर ये साबुत धनिया जो है फ्राई करके डालते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रश बहुत ज़्यादा था। तो फाइनली जो है मच्छी हमारे पास तैयार होके आ गई थी और क्रिस्पी और बहुत कम ऑयल था इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमने कहा चलो मछली ट्राई करते हैं, इसका जायका जो था बहुत अच्छा था, लाहौर की मछली इसने हमें बुला दी। तो काफ़ी इंजॉय किया हमने और दोस्तों के साथ था, और क्या कहते हैं मछली का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और आपको पहले से ही तकरीबन जो है ना एक घंटा लग जाता है, फिर उसके बाद जो है हमने सोचा चलो कसूर आए हैं और बाबा भोले शाह के मज़ार पे ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। वालेकुम अस्सलाम। आवाए नी और जे तेरा गुजर होए ओ दीवाने ओ बैठे रहो ए महफिल लो ओ सजा के दे। तो अब जो है ये आप देख सकते हैं ये बार का एरिया मज़ार का, अब मज़ार के एंट्रेंस की तरफ हम जा रहे हैं। ये एंट्रेंस है, रश इस टाइम जो ना बिल्कुल भी नहीं था, रात के 10 बज रहे थे। नॉर्मली जो है बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे कि जगह नहीं होती, लेकिन इस टाइम था कि एक तो कोविड था उसकी वजह से और कुछ वैसे भी रश काफ़ी कम हो गया हुआ था यहाँ पर। तो आए थे, मैंने सोचा चलो बाहर तक आए हैं, चलो फिर दिल किया चलो बंदा अंदर भी चला जाए। तो हमने चलो डिसाइड किया, हमने कहा चलो अंदर चलते हैं। जी मैं इस टाइम जो है यहाँ पे आया हुआ हूँ बाबा भोले शाह के मज़ार पे, सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये मस्जिद का एरिया है, ये जो है सामने आप देख सकते हैं ये मज़ार है। और वीडियो बनाना तो बना था, मैंने पहले नोट नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने जब वीडियो देखी दोबारा तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि लिखा हुआ था कि तस्वीर बनाना मना है, लेकिन खैर मैंने अंदर जाकर उस टाइम वीडियो बना ली थी, सोचा चलो शेयर कर देता हूँ। तो ये मज़ार है, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करें।
और ये इनके बार इन कब्र थी, ये इनके लिए पालक बेटे हैं उनकी है। तो ये दूसरा एरिया है, यहाँ पे आम दिनों में वैसे रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके बाद जो है उनकी बाग की याद पड़ी हुई थी यहाँ पे, जैसे उनका बजाने वाला सितार था और साथ उनका जो है, मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाता हूँ। जैसे ये सितार मुबारक है इनका, सामने गोदड़ी शरीफ है, चादर है उनकी, और साथ टोपी, आई थिंक टोपी है जो सर पे पहनते थे। ये उस दौर की है, इन्होंने अभी भी सेफ की हुई है, शीशे के अंदर ये मौजूद है। हालत इसकी जो है पहले से जो है उस ओरिजिनल हालत में तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने स्टोर की हुई है। तो मज़ार के बाद हमने सोचा चलें खाना हज़म हो गया ज़रा, और कसूर आए हैं। तो कसूर का जो है फलूदा जो है बहुत मशहूर है यहाँ का, जैसे मछली मशहूर है, तो सोचा चलें कसूर का फलूदा खाने चलते हैं। तो यहाँ का काफ़ी मशहूर फलूदा, इंटरनेट पे मैंने सर्च किया था, अयूब फलूदा की शॉप थी, और यहाँ से जो है तकरीबन वो 5 से 10 मिनट का तकरीबन डिस्टेंस था। तो सोचा चलें वहाँ पे जाके फलूदा ट्राई करते हैं। इस टाइम रात के जो है तकरीबन आई थिंक 10 बज रहे थे, और दुकानें जैसे अगर आप देखें कि बंद हो रही हैं, लोग घरों को जा रहे थे। तो हमने सोचा चलें फलूदा ट्राई करते हैं। तो लाहौर का फलूदा तो खाया हुआ था, काफ़ी अच्छा है, वो कुल्फ़ी के साथ होता है, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे हमने फलूदा ट्राई किया, तो यहाँ पर फलूदा जो है वो टोटली डिफरेंट था। उन्होंने सेवियों के ऊपर रबड़ी डाली हुई थी, तो जैसा बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फलूदा जो है कुल्फ़ी के साथ होगा, लेकिन खैर उस तरह का नहीं था। और इस तरह फिर एक और दिन का आगाज़ हुआ, और रात का प्रोग्राम बनाया हमने दोस्तों के साथ। और लाहौर ट्रक अड्डा के पास बनी शिनवारी है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी दुम्बा कढ़ाई मिलती है। तो हमने सोचा चलें वहाँ का प्रोग्राम बनाते हैं, पिछले साल भी गए थे, तो इस साल भी इंशाल्लाह हमने कर चले जाएंगे ज़रूर। तो खैर वहाँ पे गए, और तकरीबन यहाँ पे अगर आप जाएं तो लाहौर ट्रक अड्डा के बिल्कुल पास है, अलियास दुम्बा कढ़ाई से ही आगे है। इनकी कढ़ाई का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो कम से कम जो है आपको 2 घंटे पहले का ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद 2 घंटे इंतज़ार के बाद आपको जो है ये कढ़ाई मिलती है। अपनी पसंद का आप जो है पीस चूज़ करते हैं कौन सा आपने खाना है। साथ ख़ास तौर पर इनकी जो चटनी है, जो रायता है दही का और अम्बी का है, वो बहुत मज़े का है खा उसके बाद। और जब खाने के बाद जो है अगर आप कावा नहीं पियेंगे तो वो तो हज़म नहीं होगा आपको। तो अगर आप कावा पीते हैं तो काफ़ी डाइजेस्ट होने में इजी होता है। तो खैर काफ़ी अच्छा टाइम था। अगर आप लाहौर जाएं और ट्रक अड्डा की तरफ जाएं तो ज़रूर इसको ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। फिर साथ ही एक और दिन का आगाज़ हुआ, और घर पर जो है दोस्त हमने जो है बारबेक्यू रखा, और ख़ुद ही जो है मलाई बोटी तैयार की है जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ ही जो है टिक्का जो है चिकन पीस भी हमने लगाया था, उसका जो है सीखों पे जो है फिर खुद चढ़ाया। तकरीबन एक सीख पे दो दो मैंने जो रान थी उसकी लेग थी वो चढ़ा दी, और बारबेक्यू का जो है मसाला जो है बहुत अच्छा लग गया था। जैसा कि मलाई बोटी आप देख सकते हैं कि खुद ही ट्राई की, पहली दफ़ा किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा तैयार हो गया था, और देख के भूख लग रही है दोबारा। और टिक्का जो है, और वो भी देखें कैसे चमकता हुआ, जब जैसे चमकता है ना ये बारबेक्यू के ऊपर कोयले के ऊपर, तो और भूख लगती है, खाने को और दिल चाहता है। तो खैर यादें रह जाती हैं, वक्त गुजर जाता है। और बारबेक्यू जो है वो तैयार हो गया था, बस के बाद जो है हमने सर्व किया। फिर इसी तरह अगले दिन सुबह हुई, सोचा कि चलो हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं, और ये इधर की बहुत मशहूर हलवा पूड़ी है, देसी घी में बनती है ये, और आपको जो है सुबह सुबह जाके लानी पड़ती है। तो जाने से कुछ दिन पहले जो है मैंने ये कहा चलो हलवा पूड़ी खाते हैं, प्लेन जो है थोड़ी देर में जो है टेक ऑफ करने लगा है, तो सोचा चलें आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। काफ़ी देर हो गई थी वीडियो नहीं डाली, तो बस अभी तकरीबन रश काफ़ी था, और ख़ासतौर पर कोविड की वजह से जो है काफ़ी मसला हुआ है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन काफ़ी हैं, मास्क काफ़ी लगाना पड़ता है, कोविड टेस्ट लगाना पड़ता है। सो उसके लिए जो है प्रिकॉशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमें ये करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम
घर वालों को छोड़ के जाना, माँ बाप को छोड़ के जाना, बहन भैया को छोड़ के जाना, ये बहुत मुश्किल होता है। ख़ासतौर पे जो आखिरी एक घंटा होता है, आखिरी एक घंटा जो हम घर से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, वो एक घंटा ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का सबसे लंबा घंटा है और बहुत मुश्किल टाइम होता है। माँ बाप को छोड़ के जाना, बहन भैया को छोड़ के जाना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरियों को देखते हुए भी जो है कुछ ना कुछ इवेंट चेक करना पड़ता है। सो बस अभी सब कुछ हो चार के 2 महीने के लिए आए थे, 2 मंथ्स के बाद जो है मैं वापस जा रहा हूँ, और वापस जाके जो है वही वापस भाग दौड़ स्टार्ट हो जाएगी और वही काम, फिर वही सब कुछ। खैर ज़िंदगी का हिस्सा है और जब तक चले चलाऊँ ऐसे ही चलता रहेगा। सो इस टाइम बिजनेस क्लास में बैठा हुआ हूँ, मैं कतर में हूँ, कतर एयरवेज के थ्रू जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छी एयरलाइन है ये, काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर सर्विस नंबर 1 है खास, और ऊपर से इनका एयरपोर्ट पे जो है वो क्या कहते हैं, बहुत काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी आपको फैसिलिटेट करते हैं ये, और खाना भी अच्छा है, हलाल है ऊपर से, तो काफ़ी अच्छा है। आपको मैं नज़र दे जेट पे ये LCD लगी होती है और इकोनॉमी क्लास में जो है वो इससे छोटी होती है। आपका एक पूरा कैबिन होता है, देखें ये टेबल है पूरी, आप इसको ना टांगे लंबी कर सकते हैं, वो देखें वहाँ पे जहाँ पर जहाँ पर टांगे जाती हैं आप इसको टांगे, ये चेयर मैंने जो है ना अभी ऊपर की हुई है, जब मैं इसको नीचे करूँगा तो ये बिल्कुल जो है ना वो बन जाएगी, बेड बन जाएगा। जैसा कि आप देखें ये सारे बटन हैं, ये बनेगा, ये पूरा बेड बन जाएगा ऐसे, और पूरा एक कैबिन बना हुआ है इसके यहाँ से ना। आप ये देखें जैसे ये 1 पर्सन है तो काफ़ी कंफर्टेबल सफ़र होता है। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो काफ़ी आप जो है ना इन्जॉय कर सकते हैं। पूरा आपको ये देखें चीज़ें मैं दिखा दूँगी, इन्होंने आपको ये दिया है मास्क है, ग्लव्स हैं, मास्क है, सैनिटाइज़र मैंने यूज़ कर लिया था, उसके अलावा सॉक्स दी हुई हैं, आप लोग सॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ये सॉक्स हैं इसके अंदर। उसके अलावा ये ब्लैंकेट है पूरा, कंबल डालने के लिए आपको बेसिकली पूरा फैसिलिटेट करते हैं आपको। सो आपका हुआ चांस तो ज़रूर आप सफ़र करें कतर में, अच्छी एयरलाइन है। मैंने दर्श पे भी किया है, एमरेट्स पे भी किया है, कनाडा में भी किया है, लेकिन मुझे सबसे बेहतर लगी। तो खैर बातें तो होती रहेंगी, मैंने क्या सोचा चलें आपको जो है एक्सप्लोर भी करा दूँ। ये आखिरी इस साल देखें ये लाहौर एयरपोर्ट से बस हमने आपको मार्का में दिखा दूँ ये सीन है। For customers who have just joined us, welcome on board Qatar Airways, a member of the One World Alliance. After you have found your displaced and hand luggage. So guys, परदेश की ज़िंदगी जो है वो तो ऐसे ही होती है कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और मैं ये बातें इसलिए बताता हूँ कि मैं आपके साथ अपना पर्सनल शेयर करता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार आप उसको अच्छा नहीं लगता तो आप जाते क्यों हो, तो मैं ये कहूँगा कि मजबूरियाँ मजबूरियाँ साथ लेकर चल पड़ती हैं, मजबूरियाँ जो हैं उसके लिए हमें फिर करना पड़ता है सब कुछ, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, गिव एंड टेक, ज़िंदगी इसी का नाम है। मेरा बताने का मकसद जो होता है वो बिल्कुल हरगिज़ आप लोगों को ये नहीं होता कि आप लोग जो है डिस्मार्ट हों, और क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि आप बहुत सैड वीडियो बनाते हैं तो आपने मेरा दिल ही जो है डिसहार्ट कर दिया, तो मेरा बताने का बिल्कुल मकसद ये नहीं होता। मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये होता है कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि बाहर जाके जो है ज़िंदगी बहुत आसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सहूलियत हैं बिल्कुल हैं, जाना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आपको जो है इन मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर हर तंगी के बाद आसानी है, तो ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसे चलता रहेगा, परेशानियां तो आती रहेंगी चलती रहेंगी, और उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ जो है फिर ज़ख़म भर ही जाता है, फिर हम जाके कामों में अपने मसरूफ़ हो जाएंगे, फिर ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी।